AMC bank that is going wonderfully. And अच्छा this is not a recommendation to buy, sell or hold. Like हम देखते हैं कि banking sector के अंदर बहुत ही ज़्यादा like लोग अपना weightage रखते हैं. तो what outlook I'm looking for next 3 to 5 years over banking sector? एक lighter note पे आपको बोल सकता हूँ. हम लोग ऐसी country में रहते हैं जहाँ प्रधानमंत्री जी को खुद टीवी पे आके बोलना पड़ता है कि बैंकों में अकाउंट खोलिए और इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए और कैश मत रखिए, पैसा बैंक में जमा रखिए, डिजिटल यूज़ कीजिए. सो ये मैंने बोला लाइटर नोट पे, बट एक्चुअली सोचने के लिए बहुत सीरियस बात है ये कि हमारे बैंकिंग सेक्टर की कितनी रीच है. इतनी कम रीच है कि जो कंट्री का टॉप मोस्ट पर्सन है उसको भी हमको सिखाना पड़ता है कि भैया कैश लेके मत घूमो, पैसा बैंक में जमा करो और अपने प्रोटेक्शन के लिए पेंशन खोलो, इंश्योरेंस खोलो. तो ये एक राष्ट्रीय मुद्दा कैसे बन गया, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हमारी ग्रोथ या पेनिट्रेशन कोई है ही नहीं. सो बैंकिंग सेक्टर हैज़ लॉन्ग वे टू गो और इसमें पोटेंशियल बहुत है, ये तो तय हो गया ना, ये तो सीधी ऑब्वियस बात है, राइट. दूसरी बात क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि पोर्टफोलियोज में बैंकिंग ज़्यादा है, बट उसको आप बैंकिंग के कई भाग है जैसे उसको बैंकिंग बोलते हैं, बट अगर आप हमारे पोर्टफोलियोज देखते हैं तो उसमें बैंकें हैं, जैसे मैंने पहले बताया इंश्योरेंस कंपनीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो सकती हैं. अच्छा इंश्योरेंस में जनरल और लाइफ हो सकता है, एनबीएफसीज हो सकते हैं. अब एनबीएफसीज के अंदर मॉर्गेज कंपनी अलग है, कंज्यूमर कंपनी अलग है, राइट. तो क्या है कि बीएफएसआई सेक्टर भी हमारे कंट्री में बहुत फैल गया है. जैसे मैंने अपना करियर शुरुआत किया तो बीएफएसआई सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर बैंकें होती थी और कुछ नहीं होता था. फिर प्राइवेट सेक्टर बैंकें आई, उसमें फिर एनबीएफसीज आए, फिर एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, बहुत कुछ आ गया. सो सेक्टर इट्सेल्फ में काफ़ी सब सेक्टर्स है, काफ़ी बड़ा है. सो जो अपना एक्सपोजर डिजर्व करता है और वहाँ पे उतना ग्रोथ पोटेंशियल है तो हम अपना अनुमान लगा के करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट.